अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। न्यू ब्लॉग आज का ब्लॉग बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम आए हुए थे तकरीबन जुम्मे से हिंदून शहर। तो बाकी आज तो वैसे भी सेक्शन डे है और सुबह भी 5:30 बज गए हैं। तो इंसान हिंदून शहर आया और जेदी लस्सी वाले के बाद ना जाए, जेदा लस्सी वाले के बाद ना जाए तो कैसे हो सकता है। तो आज मैं सही रात सोया नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं सोया कि मैंने सुबह जाना जेती लस्से वाली के पास। तो अब मैं आ गया हूँ घर से बाहर, और घर के बाहर बैठ के मैं इंट्रो बना रहा हूँ, और अब हम चलते हैं जेदा लस्सी वाली के पास। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम अंदरून शहर में बिल्कुल ही सन्नाटा है, सब सो रहे हैं। और हम जेदे वाले के पास जाएंगे और वहाँ पर इस टाइम फुल रश होगा। तो मिलते हैं आपसे जेदे लस्सी वाले के पास। ये अंदरून शहर, और ये अंदरून शहर की छोटी छोटी गलियां, और ये गलियों से होते हुए जेदे लस्सी वाले के पास जा रहे हैं। वहाँ ऑलमोस्ट सब सो रही है, और हम लोग लास्ट मंडी वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इनके घर से जेदे लस्सी वाला है वो तकरीबन 2 मिनट के रास्ते पे है। तो हम लोग आ चुके हैं, और जेदे लस्सी वाले अच्छी रश है, और अभी जेदा साहब आए नहीं है, वेट है, वेट करेंगे। जद्दोजहद में हम लगे हुए थे उसमें हम कामयाब हो गए, जेदे की लस्सी हमें मिल चुकी है फाइनली, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बड़ा नाम सुना हुआ है काफ़ी टाइम से, शुरू में 1-2 दफ़ा पी गया, लेकिन उसके अलावा ब्लॉगिंग में नहीं कभी पी। लेकिन अब ब्लॉग था और अंदरून शहर में भी आए हुए थे, तो मैंने कहा आज हर हाल में जेदे की लस्सी होनी चाहिए। तो आए हम इसको ट्राई करते हैं। ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मलाई वाली है, आप देख सकती हैं इसका
सीन कुछ ये है। तो बाकी एफर्ट तो बुरी थी, लेकिन जिन एफर्ट में हम कामयाब भी हो गए। तो अगर आपकी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। लोग देख सकते हैं कि ये कितनी थिक है, कैमरे में देख कितनी थिक है ये।